नमस्कार दोस्तों, मैं वास्तुशास्त्री आनंद शर्मा, एक बार फिर आपका हमारे चैनल अच्छा घर होम प्लान में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पूरा वास्तु के अनुरूप 27x42 फीट का घर का नक्शा। आज का प्लान बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही खास खास बातें इसमें हम आपको शेयर करेंगे और पूरा प्लान लंबाई चौड़ाई के साथ शेयर करने जा रहे हैं। काफी लोगों के कॉमेंट आए थे, उन कॉमेंट को पढ़कर ही ये प्लान रेडी किया गया है। यानी कि आगे इसके मुख्य जो सड़क जा रही है पूर्व दिशा की तरफ जा रही है और एक सड़क जा रही है आपके उत्तर दिशा की तरफ। कॉर्नर का प्लॉट है, एकदम कॉर्नर का प्लॉट है। इधर ओनर की जमीन है और इस साइड में ओनर की जमीन है, यानी कि दोनों तरफ ओनर की जमीन है। ग्रामीण क्षेत्र में घर बनने जा रहा है तो कॉर्नर का प्लॉट है, इसलिए दोनों तरफ आप अपना घर का मुख्य द्वार रख सकते हैं। तो हमने एक मेन एंट्री है वो आगे की जो मुख्य सड़क है वो उत्तर दिशा की तरफ एक मेन एंट्री दी है और एक एंट्री हमने पूरब की तरफ दी है। दरवाजों के साइज आप अपने हिसाब से बड़े छोटे कर सकते हैं, उसमें कोई भी इश्यू नहीं होता है वास्तु में, ठीक है। अब जो घर के अंदर एंट्री करते हैं मेन दरवाजे से, जो मुख्य दरवाजे से, तो अंदर आप आते हैं तो इस दीवार से लेकर यहां तक 14 फीट की लंबाई है और यहां से लेकर यहां तक 9.5 फीट की चौड़ाई है। आराम से आपकी कार पार्क हो जाएगी, कोई भी तरह की अगर कार है तो आपके पास आराम से पार्क आप कर सकते हैं। काफी लोगों के सवाल होते हैं, सर ईशान कॉर्नर में गाड़ी खड़ी करने से ईशान कॉर्नर भारी तो नहीं हो जाता है, वास्तु दोष तो नहीं होता क्या? बिल्कुल नहीं होता। जो चलायमान चीज होती है, जो स्थिर चीज नहीं होती, अगर वो खड़ी करते हैं आप तो कोई भी वास्तु दोष नहीं है। अगर आप स्थिर रूप से यहां पर कोई वजन रख देते हैं, यानी कि कोई कबाड़ गाड़ी यहां पर खड़ी कर देते हैं या कबाड़ ट्रैक्टर वगैरह गाड़ी कोई भी चीज यहां पर खड़ी करते हैं तो वो एक बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है। मगर जो चलायमान चीज है, चाहे वो आपकी गाड़ी है जिसको आप एक दो दिन खड़ी करके प्रातःकालीन ले जाते हैं या सुबह शाम लाके सिर्फ खड़ी करते हैं, तो उससे कोई भी वास्तु दोष नहीं होता है। तो यहां पर आपका एक सवाल क्लियर हो गया है। अब आप इधर प्रवेश करेंगे, यहां पर आपकी मुख्य चौखट लगेगी। यहां पर जो आप देख रहे हैं अपने तुलसी के पौधे वगैरह आप लगा सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है, घर में वास्तु अच्छा रहता है और पॉजिटिव एनर्जी आती है। कभी भी बिना वास्तु घर का निर्माण ना करें, बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है ये। अगर आपकी भविष्य में आप अपने बच्चों का अपना भविष्य अच्छा चाहते हैं, स्वास्थ्य उत्तम रखना चाहते हैं तो वास्तु का पूरा ध्यान रखिए। अब आप इधर प्रवेश करते हैं, मुख्य चौखट है। जैसे अंदर प्रवेश करेंगे इस दीवार के अंदर एक विंडो हो गई है और इस दीवार के अंदर एक विंडो, दो विंडो दी गई है। ये आपका पूरा ब्रह्म स्थान है, यहाँ पर आपका लिविंग एरिया बन जाएगा, यहाँ डाइनिंग एरिया, तो यहाँ आपकी डाइनिंग टेबल सेट हो जाएगी और यहाँ पर आपका बैठने के लिए सोफे वगैरह सेट हो जाएंगे, लिविंग एरिया होगा। बड़ी विंडो रहेगी, अच्छा वेंटिलेशन रहेगा, फ्रंट में एक विंडो है, अच्छा वेंटिलेशन। पूजा घर का विशेष ध्यान रखें, पूजा घर का निर्माण हमेशा इस कॉर्नर में करें, जहां पर हमने दे रखा है आप देखिए स्वास्तिक दे रखा है, वहीं पर आपका पूजा घर बनेगा ईशान कॉर्नर में, बहुत उत्तम होता है, देवस्थान होता है। पूजा घर का निर्माण कभी भी अपने लेटरिंग बाथरूम के पास में, किचन में या ऐसी जगह मत कीजिए जहां पर वास्तु दोष है, विशेष करके आपको गंदी जगह या सीढ़ियों के नीचे पूजा घर का निर्माण नहीं करना चाहिए। नर्तक्य कॉर्नर भी आपको इग्नोर करना चाहिए, हमेशा ध्यान रखें। अब आप इधर प्रवेश करते हैं, बड़ा सारा आपका हॉल है, कोई भी ओकेजन होता है जितना बड़ा हॉल होता है यूजफुल होता है और वास्तु का पूरा ध्यान रखा गया है। अब आप इधर प्रवेश करेंगे, ये अग्नि कॉर्नर है, अग्नि कॉर्नर के अंदर पूरा वास्तु का ध्यान रखते हुए एक बड़ा किचन दिया गया है। जिन घर में अग्नि कॉर्नर अच्छा रहता है उन घर की महिलाओं का स्वास्थ्य उत्तम रहता है, महिला चाहे आपकी माता हो, आपकी बहन हो, चाहे आपकी वाइफ हो, वो घर की लक्ष्मी होती है। अगर घर की लक्ष्मी का स्वास्थ्य उत्तम रहता है अग्नि कॉर्नर में, अगर आपका किचन रहता है तो बनाया हुआ खाना आपके बहुत ज्यादा गुण करता है और उसमें आपके पॉजिटिव एनर्जी रहती है। खाना अच्छा होगा तो आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा तो कार्य करने की क्षमता अच्छी रहेगी और घर में सुख समृद्धि धन धान्य के भंडार भरे रहेंगे। तो ये आपका किचन है, किचन के एक विंडो आप फ्रंट में ओपन कर सकते हैं, 6 फीट तक किचन की विंडो दे सकते हैं, बड़ी विंडो चाहिए, ग्लासेज विंडो अगर आप पसंद करते हैं, दोनों तरफ एक एक विंडो दे दें। 10x12.5 फीट का बड़ा सारा किचन है, गैस चूल्हा यहाँ सेट हो जाएगा, एल शेप में बड़ा सारा आपका गैस चूल्हा आराम से सेट हो जाएगा। आप इधर प्रवेश करते हैं, वास्तु के अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज सीढ़ी है, सीढ़ियां आपकी जाएगी इस तरफ और फिर उत्तर की तरफ खुल जाएगी, क्लॉकवाइज सीढ़ी है। सीढ़ी के नीचे लेटरिन बाथरूम देने का काफी लोगों के चलन रहता है बट हम इग्नोर करते हैं, सीढ़ी के नीचे लेट बाथ देना शुभ नहीं माना जाता है। सीढ़ी आपके जीवन का समृद्धि का सूचक होता है, आपके बेटे बेटियों का जीवन समृद्धि का सूचक सीढ़ी होता है। अगर उसके नीचे आप वास्तु दोष देते हैं, एंटी क्लॉक सीढ़ी बनाते हैं या लेट बाथ देते हैं, वो शुभ नहीं माना जाता है, उनके जीवन की सुख समृद्धि रुक जाती है। कभी भी वाटर एलिमेंट कुछ भी ना रखे सीढ़ी के नीचे। अब आप इधर प्रवेश करेंगे, अलग से आपका लेटिंग घर दिया गया, पीछे जो ओपन एरिया है उसमें लेट बाथ की विंडो और फैन लगा दिया गया है। लेटिंग घर अलग है, स्नान घर अलग है, वास्तु का पूरा ध्यान रखा गया है। जो आपका स्नान घर होता है वो चंद्र का सूचक होता है और जो लेटिंग घर होता है राहु का सूचक होता है, तो दोनों को आपका वास्तु के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है। दोनों का अलग अलग विंडो दिया गया है, वास्तु का पूरा ध्यान रखा गया है। इधर प्रवेश करेंगे, नर्तक्य कॉर्नर है, नर्तक्य कॉर्नर के अंदर आपका बेड यहां लग जाएगा, एक विंडो हमने दे दी है, अच्छा वेंटिलेशन रहेगा, पीछे की तरफ अगर आप विंडो देना चाहें तो दे सकते हैं,
ठीक है, अगर आप वार्डरोब बनाना चाहें तो विंडो को इग्नोर करना पड़ेगा, एक ही विंडो देनी होगी। तो यहाँ पर आपका बेडरूम है 11 फीट 9 इंच बाय 13.5 फीट में आपका बेडरूम बन जाएगा शानदार तरीके से। फिर इधर प्रवेश करेंगे, यहाँ पर एक डोर लगेगा, डोर के अंदर प्रवेश करेंगे, सेम साइज है 11 फीट 9 इंच बाय 13 फीट 6 इंच 13.5 का रूम है, बट इस रूम के अंदर अटैच लेट बाथ दिया गया है। लेट बाथ 6 बाय आपका 3.5 बाय 6 फीट का लेट बाथ दिया गया है। दोनों लेट बाथ की वेंटिलेशन फैन और विंडो यहाँ सेट होगा, रूम का वेंटिलेशन विंडो फैन यहाँ सेट होगा। ग्राउंड फ्लोर में पूरा वास्तु समझाने की कोशिश की गई है, वास्तु को इग्नोर मत कीजिए। जीवन में सुख समृद्धि चाहिए, कोई भी अच्छा वास्तु शास्त्री आपके नियरेस्ट, आप उनसे नक्शा बनवा सकते हैं। आप हमारी सेवा लेना चाहते हैं तो पर्सनल वर्क पेड सर्विस रहती है, व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, फीस देके आप हमसे वर्क करवा सकते हैं। ये आपका रफली प्लान हम आपको शेयर कर रहे हैं। जब आप हमसे वर्क करवाते हैं पूरा कंप्यूटराइज फाइनल वर्क होता है, उसके अंदर आपके विंडो के डोर के सबके साइज होते हैं। आगे का एलिवेशन वर्क करवाना चाहते हैं वो भी वास्तु के अकॉर्डिंग होता है, लेटेस्ट डिजाइन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय श्री कृष्ण।